स्टूडेंट्स सो फार वी हैव डन सिक्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इन दिस वीडियो वी विल टेक फोर अनदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. Students, in order to see the difference between these reactions, we will take them in parallel. Seventh reaction is oxidation reaction, and eighth reaction you have is reduction reaction. Students, we have three different concepts of oxidation and reduction. One is known as classical concept, second is known as electronic concept, and third one is known as oxidation number concept. So let us start with classical concept. According to classical concept, oxidation reaction is a process in which a substance gains oxygen or removes hydrogen. ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन गेन करेगा या हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन ऑक्सीजन साथ मिलकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड. इस रिएक्शन में देख रहे हो बेटा, ये सब्सटेंस जो है कार्बन, ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, मतलब यहां पर कार्बन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन. इसको तुम कैसे रीड करोगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज हुआ है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड गैस. इस केस में तुम देख रहे हो बेटा, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. और इसको तुम कैसे रीड आउट करोगे, नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रिक ऑक्साइड. यहां पर भी ये क्या आ रहा है, ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, इन दोनों ही रिएक्शंस में बेटा क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहां पर क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अब थर्ड जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन कैसे होगी, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एग्जांपल लेते हैं बेटा, H2S प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर क्लोरीन गैस के साथ करते हैं, यू विल गेट सल्फर प्लस HCl. इस रिएक्शन में देखो बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड ने हाइड्रोजन को क्या किया है, रिमूव किया है. रिमूवल के बाद क्या बनता है, सल्फर. मीन्स H2S की क्या हुई है यहां पर, ऑक्सीडेशन. क्लियर, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर बिकॉज इट हैज रिमूव्ड हाइड्रोजन फ्रॉम इट. यहां पर क्या हुई है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर बेटा, अब आपको पता लग गया होगा, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड होगी या हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा. दिस इज नोन एज क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, रिडक्शन क्या है वो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, रिडक्शन में बेटा क्या होता है, या तो ऑक्सीजन रिमूव होगी या हाइड्रोजन की क्या होगी, एडिशन. यहां पर क्या था, ऑक्सीजन की एडिशन होती थी, यहां पर उल्टा होगा, यहां पर ऑक्सीजन की क्या होगी, रिमूवल. यहां पर क्या होता था बेटा, हाइड्रोजन का रिमूवल, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन. तो रिडक्शन रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन. इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट इज
H2 plus Cl2 forms 2HCl. इसमें आप देख रहे हैं बेटा क्लोरीन ने हाइड्रोजन ऐड की है एंड इट फॉर्म्स HCl. तो इसका मतलब यहां पर क्लोरीन की क्या हुई है, रिडक्शन. हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू HCl. क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू HCl. सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा, CuO प्लस H2 फॉर्म्स Cu प्लस H2O. ठीक है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं इस कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को क्या किया है, रिमूव किया है. एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड की यहां पर क्या हुई है, रिडक्शन हुई है. एंड वी विल रीड आउट दिस एज CuO. कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर. ठीक है, ऊपर क्या हुआ था बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहां पर क्या हुआ बेटा इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में हुआ है बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज नोन एज क्लासिकल कंसेप्ट. अब हम सेकंड कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा दोनों का ही. सेकेंड कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है या लॉस होता है. तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लूज्ड. एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं जिसका कैटलॉग नंबर 11 है. कंसेंट्रेशन क्या है, 281. सोडियम क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड अक्वायर्स वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी, 2.8. क्योंकि यहां पर तुम देख रहे हो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इट विल बी मोर स्टेबल. ठीक है, इस रिएक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिमिलरली एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर 12, कंफ्यूजन इज 282. अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इट विल फॉर्म Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और Mg2 पॉजिटिव कंफ्यूजन क्या होगी, 2.8. इसमें क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इट इज ऑल्सो ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं आइदर वन और मोर देन वन. अब रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा रिडक्शन रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर गेन. इसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, कंसेंट्रेशन क्या है, 2.6. अगर तुम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दोगे इट विल फॉर्म O2 नेगेटिव विद कंसेंट्रेशन 2.8. दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू ऑक्सीजन. सेकंड एग्जांपल इज Cl प्लस इलेक्ट्रॉन. Cl यूज होती है बेटा 287, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17. इट विल बिकम Cl नेगेटिव विद कंफ्यूजन 2.8.8. दिस इज ऑल्सो एन रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को याद रखने के लिए बेटा आप एक वर्ड याद रख सकते हैं,
ऑयल रिग, ऑयल रिग, O फॉर ऑक्सीडेशन एंड L फॉर लूज. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लूज, ठीक है. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. R फॉर रिडक्शन, G फॉर गेन. ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे बेटा मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. एजेंट बेटा आपको पता है, एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का काम करते हैं. जैसे आपने सुन रखा होगा LIC एजेंट, जो हमारी पॉलिसीज बनाते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है. सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन करने में हेल्प करता है. तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सब्सटेंस which help in oxidation of other, जो दूसरे की oxidation में help करता है, या तुम कह सकते हो जो दूसरे को oxidize करता है. ये दूसरे को क्या करेगा, oxidize. और reducing agent क्या होगा, it is a substance which helps इन रिडक्शन ऑफ अदर, जो दूसरे की रिडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है. यहां पर एक पॉइंट और नोट करना है आपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा मगर इसकी खुद की क्या होती है, रिडक्शन. सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसकी खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन. हम यहां पर लिखते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड. दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, खुद की क्या होगी, रिडक्शन. इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की रिडक्शन करेगा, वो खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन. तो यहां पर हम लिखते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, इसी खुद की क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है. इसको हम समझते हैं, सपोज वी हैव दिस रिएक्शन ए प्लस बी फॉर्म्स सी प्लस डी. और इस रिएक्शन में अगर ए की ऑक्सीडेशन हो रही है इनटू सी, ए हम मानते हैं कि सी में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इसके साथ वाला रिएक्टेंट है बी, वो उसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, ठीक है. अब ऑक्सीडेशन में हेल्प कैसे कर सकता है, या तो बी जो है इस ए को ऑक्सीजन सप्लाई कर दे, अगर ये इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ये गेन कर लेगा और इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है, बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, ठीक है. सेकेंड मोड क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए में से हाइड्रोजन को रिमूव कर ले, क्योंकि ए अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तब भी उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन. तो सेकेंड मेथड क्या हो सकता है बेटा, बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन उससे रिमूव कर सकता है. और थर्ड मोड क्या हो सकता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि सब्सटेंस ए की ऑक्सीडेशन कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है. तो अगर बी इसकी ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है तो बी क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा,
और खुद क्या कर लेगा उसको गेन कर लेगा। ठीक है, तो बी ए की ऑक्सीजन कैसे कर सकता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंस। क्लियर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा क्या होता है, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीजन कैसे कर सकता है वो, या तो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, या हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, या दूसरे सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। बाहर निकालेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाइज ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन और इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। सपोज वी हैव दिस रिएक्शन ए प्लस बी फॉर्म्स सी प्लस डी। इसमें हम मानते हैं कि ए की रिडक्शन हो रही है टू सी और बी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बी सब्सटेंस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बी जो है इस ए की रिडक्शन कैसे कर सकता है, या तो वो ए को हाइड्रोजन सप्लाई कर दे सेकेंड, या उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, या तो इसको पहला मेथड ये होगा बाय सप्लाइंग हाइड्रोजन, दूसरा मेथड हो सकता है बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन क्या कर ले, रिमूव कर ले। थर्ड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ए की रिडक्शन कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, अगर बी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, इट कैन इजिली गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बी क्या करेगा, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स टू अदर सब्सटेंस। यहां पर अदर सब्सटेंस कौन सा बेटा, ए। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, वो कैसे कर सकता है, आइदर बाय सप्लाइंग हाइड्रोजन और बाय रिमूविंग ऑक्सीजन और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू डेड सब्सटेंस। नाइन्थ रिएक्शन इज बेटा रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स इज ए कंबिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, आरईडी स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX stands for oxidation. It means reduction plus oxidation will be known as redox. Redox reaction क्या होता है बेटा? A reaction in which both reduction and oxidation takes place simultaneously is called as redox reaction. Example, zinc oxide plus carbon forms zinc plus carbon monoxide. इस एग्जांपल में देख लो बेटा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस करके जिंक में कन्वर्ट हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड की क्या होगी बेटा, रिडक्शन। और दूसरी तरफ कार्बन ने क्योंकि ऑक्सीजन को गेन किया है, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स कॉपर प्लस H2O। इस एग्जाम्पल में क्या होता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है, अगर तुम कॉपर को प्रोलोंग टाइम तक हीट करते हो, मीन्स हीटिंग ड्यूरिंग ए प्रोलोंग टाइम, ज्यादा टेम्परेचर भी करते हो, तो कॉपर टर्न्स ब्लैक इन कलर, ये रिएक्शन हो जाती है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जब तुम हीट करते हो, यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड एंड दिस कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। अगर इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस दोबारा पास की जाएगी, इट विल अगेन टर्न्स इनटू कॉपर, ये दोबारा किसमें हो जाता है, कॉपर में। ठीक है, और कॉपर का कलर आपको पता है बेटा, रेडिश ब्राउन होता है।
इस रिएक्शन में क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज करी है तो उसकी क्या होगी रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने क्योंकि ऑक्सीजन का गेन किया है उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन, क्या होगी बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा, H2S प्लस क्लोरीन फॉर्म सल्फर प्लस 2HCl। इस रिएक्शन में बेटा क्योंकि H2S ने हाइड्रोजन का रिमूवल करके सल्फर में कन्वर्ट हुआ है H2S, दैट इज व्हाई एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को तुम क्या बोलते हो ऑक्सीडेशन। H2S क्या की क्या हुई है ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन ने क्योंकि हाइड्रोजन गेन की है उसकी क्या हुई है बेटा रिडक्शन। सो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन तीन एग्जांपल्स में बेटा चेक करते हैं विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिंक ऑक्साइड की क्या हुई है रिडक्शन हुई है, और कार्बन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर कार्बन क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड टू जिंक। ठीक है, और हमने पीछे पढ़ा भी था रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ए सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, सॉरी विच रिमूव्स ऑक्सीजन, ये इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, और कार्बन की ऑक्सीजन हो रही है, जिंक ऑक्साइड क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसकी ऑक्सीडेशन में क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है, उसकी खुद की क्या होती है रिडक्शन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी खुद की रिडक्शन हो रही है मगर वो हाइड्रोजन की क्या करवा रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन इसकी क्या करवा रहा है रिडक्शन, ये क्या होगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। इस एग्जांपल में H2S की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, और ये क्लोरीन की क्या करवा रहा है रिडक्शन, तो H2S क्या होगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन क्योंकि H2S की ऑक्सीडेशन करवा रहा है ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा जो दूसरे की ऑक्सीजन करवाता है, खुद की क्या होती है रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है जो दूसरे की रिडक्शन करवाता है, उसकी खुद की क्या होती है ऑक्सीडेशन।